भाई को है ऑटो ट्यूब चलाना, ऑटो ट्यूबर चैनल का नाम तो ढंग से ले लेते। अच्छा ऑटो ट्यूबर लानत है, लानत। हमने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया। चलो अभी पहले सब्सक्राइब करते हैं भाई साहब, आप सब लोग सब्सक्राइब करिए ऑटो ट्यूबर, नहीं तो हमारी तरह गलती कर जाएंगे। ऑटो ट्यूब नहीं है, ऑटो ट्यूबर है चैनल का नाम, एक बार फिर से आपको बता दें, ऑटो ट्यूबर, ऑटो ट्यूबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो ट्यूबर में। आज की इस वीडियो में हम लोग ने डिसाइड किया है कि मतलब एक कार हमें लेना है और हम लोग देखने जा रहे हैं वो कार कौन सी। पहली बात तो एसयूवी लेना है। एसयूवी लेना है भाई, एसयूवी लेना है भाई को। और भाई को कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए ये आप लोग कमेंट करो। भाई का बजट बहुत ज्यादा है, सुनोगे तो भाई दिल से निकलेगा। भाई 5 लाख में एक एसयूवी आ जाएगी भाई, 5 लाख में एक क्या दो आ जाएंगी, बस सेकेंड हैंड मार्केट भी अपने पास देख लेंगे। 5 लाख में एक एसयूवी आएगी, एस्प्रेसो। एस्प्रेसो देख सकते हैं, और एस्प्रेसो का नाम लिया, और एस्प्रेसो का नाम लिया और वो दिख जा, एस्प्रेसो दिखेगी अभी, ये एस्प्रेसो। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कोई एक एसयूवी देखने का, लेकिन बजट थोड़ा सा कम है, लगभग 7 से 8 लाख रुपए के बीच में है। और मुझे पता है कि शायद इन सभी गाड़ियों का जो भी एसयूवी सेगमेंट की है उनमें बेस वेरिएंट ही आए, लेकिन फिर भी हम लोग देखने जा रहे हैं, जो सी गाड़ी पसंद आती है उसके बाद आगे वीडियो में बताएंगे। पहले अभी कौन से शोरूम जा रहे हैं? पहले हम लोग जा रहे हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मारुति के शोरूम जाने हैं, ब्रेजा चेकआउट करने। ब्रेजा चेकआउट करते हैं, ब्रेजा के बाद फिर देखते हैं भाई साहब, ज्यादा निकाल लो यार गाड़ी। ब्रेजा के बाद नेक्सॉन देखेंगे, पहले जाते हैं मारुति के शोरूम। क्या क्या फीचर आएगा इसमें? 4 पावर विंडो आएंगे, सेंट्रल लॉकिंग रहेगी आपकी, म्यूजिक सिस्टम रहेगा 4 स्पीकर के साथ, 4 डोर्स पे, और ड्यूल एयरबैग आएंगे, ट्विटर भी है। हाँ ट्विटर्स भी आते हैं, ये सारे चीज़ें हैं मतलब। ये एडजस्टेबल क्लास, ऑटो फोल्ड तो नहीं है ना? नहीं फोल्ड नहीं आएगा, एडजस्टेबल ये बेस मॉडल है। सेफ्टी में जाएंगे तो आपको ABS आएगा ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में, और एडवांस पार्किंग सेंसर आएगा। सेफ्टी वाइज ये है, टेस्ट ड्राइव के लिए है क्या अभी कोई बेस मॉडल? ये वाला मॉडल टेस्ट ड्राइव के लिए है क्या? नहीं, टेस्ट ड्राइव एक्चुअली न्यू व्हीकल का नहीं हो रहा, डेमो का ही होगा, डेमो टॉक पे आता है। बाकी डायमेंशन सस्पेंशन उसमें पावर टॉक में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो सबका सेम ही रहेगा, सिर्फ फीचर्स का फर्क है मॉडल वाइज। अगर डेमो के लिए नहीं बलवा सकें टेस्ट ड्राइव के लिए, हाँ डेमो बता दें इसमें। बाकी गेट में भी फर्क है, लास्ट में ये मीटिंग आ जाती है, रियर वाइपर डीफॉगर आ जाता है उसमें, रियर डीफॉगर नहीं है, वाइपर भी। हाँ तो बेस वेरिएंट में क्या ही देंगे, और अपना नहीं सकते ना। हाँ ये चीज़ें हैं जो आप बाहर से नहीं करवा सकते, अपना जो बेस वेरिएंट मतलब अपना जो बजट है उसमें तो बेस ही आएगा। ये वाइपर मिसिंग, तो बैठने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा चली जाएगी ना एजेंसी तक, उठाने में क्या इंजन की आवाज बहुत कम है ही नहीं, लगभग सीट बेल्ट वार्निंग नहीं है आपकी? हाँ मेरी है सीट बेल्ट। बाकी ये बेस वो मॉडल में सब चेंज है, सारी चीज़ें देखिए। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस सर? पापा लोग के लिए सही, चलाने में मज़ा आएगा। जैसे बम्पर वगैरह तो दिख ही रहा है, बोनट दिखता है, चक्कर दिखता है, थोड़ा सा ही दिखता है पर दिखता है। और इसमें हाइट एडजस्टमेंट सीट है ना, उसमें नहीं है भी, लेकिन दिखेगा बोना है। दिखेगा हुंडई की ब्रेकिंग ज़्यादा, हुंडई की, हुंडई में अपन को बस बस बस, बस देखिए। नहीं भैया क्या हुंडई, आज की डेट में हुंडई नहीं रहेगा। तो वेन्यू देखना है टेस्ट ड्राइव, मैं 4 साल चलाया पर वेन्यू का कुछ। अच्छा आप 4 साल हुंडई में थे और
टेस्ट ड्राइव कर ली है ब्रेजा, brezza.com। फाइनली हमने टेस्ट ड्राइव कर ली है ब्रेजा। कोई चलने में कैसी थी भाई? गाड़ी जैसी चली है, बाकी उसमें कुछ समझ में खास आया नहीं है। कुछ भी समझ नहीं पाया आपकी, मतलब इसे लेना चाहिए कि नहीं? गुड फील नहीं थी मेरी, मैं सीधे बताऊं तो, मतलब मजा सी नहीं आई। ठीक है, गाड़ी है, चल रही है, स्पीड लैग को समझ नहीं आया, ब्रेकिंग वैसी थोड़ी हल्की है, उसमें शायद मुझे वेन्यू या हुंडई चलाने के बाद से मुझे लगा है कि उसमें ब्रेक क्या होते हैं पता चल चुका है मुझे, तो उसके ब्रेक ज्यादा अच्छे लगे हैं। हाँ, ये देखो ना, और ये इसके ब्रेक भी ऐसे ही हैं एकदम ऐसे। और ये सामने जो जा रही है, इसे भी टेस्ट ड्राइव करनी है? इसकी भी टेस्ट ड्राइव करनी है। तो मतलब ब्रेजा उतनी पसंद नहीं आई है आपको, सिंपल एंड श्योर ये बोल दिया जाए। उन्हीं के लिए जो सेटल वे में गाड़ी चलाते हैं, अपन नहीं चलाते सेटल वे में गाड़ी, अपनी ड्राइविंग थोड़ी रफ है, रफ अपन को जब चाहिए। मतलब मैंने हल्का स्पीड भी इसमें गेन करने की कोशिश करी पर मेरे को अजीब लगी। हाँ तो पावर कम है वैसे। पावर कम है क्या? हाँ 118 bhp शायद है, मैंने ऐसे देखा था, कंफर्म नहीं है मुझे। हाँ ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा या कम हो, लेकिन पावर से मतलब नहीं है। बेसिकली मेन जो मतलब होता है वो गाड़ी, अगर आप डेली यूज करने वाले इंसान तो आप को एवरेज अच्छा मिलना चाहिए। एक इंडियन सोच ऐसी होती है एवरेज, प्लस ब्रेजा में मेरे हिसाब से एवरेज के साथ साथ 4-star रेटिंग मिल रही है। 4-star रेटिंग मिल रही है वो तो अच्छी। टियागो भी अपनी जो सामने से गई, टिगोर या टियागो भी देख रहे थे, तो वो भी 4-star रेटिंग है। अच्छी बात है। क्या होता है पावर का, आप ज्यादा भीड़ भाड़ में आपको चलना है, आप ज्यादा यूज कर नहीं सकते हो पावर का। और मतलब पावर लोग के हिसाब से भी मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा कि ठीक ठाक है। हाँ, बाकी अभी नेक्स्ट वन टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसके बाद देखते हैं जैसा भी कर ले। मतलब सीधा सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको डेली यूज करना है तो इस टाइप की एक गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप एक कंफर्टेबली घूम सकते हो आराम से, ना कोई बहुत ज्यादा उसमें चाहिए हो। और फिर अगर आपको लेनी ही अच्छी गाड़ी है तो सभी भैया नेक्सॉन टेस्ट ड्राइव के लिए लिए जाए। सफारी, एक हैरियर एक सफारी, बस जिंदगी सफल। एक हैरियर एक सफारी कहाँ गई? वो अंदर गाड़ी है भाई, ऊंचा है गाड़ी, बस ऊंची लग रही है, सारी चीजें बहुत ऊपर बैठे ग्राउंड के, वो भी सब मतलब है ऊपर बैठे हैं, ये नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी सस्पेंशन, बहुत सही है यार। लेकिन अभी स्पोर्ट्स मोड है, आप चलाइए तेज थोड़ा, समझ में आए सर आपको जो। हाँ ये भाई 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 अभी स्पोर्ट में लगा सिटी, ये स्पोर्ट्स यही को आ गया स्पोर्ट्स, समझ गया। 120 के ऊपर करेगी फिर? नहीं करेगी सर, नहीं करेगी। अरे 120 के ऊपर टू करती नहीं है वो, है ना? अरे 120 नहीं लेके जाना भाई, यहाँ भाई कुछ नहीं होगा। अरे हमारी बहुत पड़ती है अभी लड़का, पता टियागो लेना था, पता वो टेस्ट ड्राइव में 125 ले गया टियागो, सोचो आप। मैंने बोला आपको तो ऐसे गाड़ी 5 का भी एवरेज नहीं देगी, आदमी इसमें 100 भी चलाएगा ना तो ठीक है। आप मतलब एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो सारी चीज़ सारी फीलिंग हमको उसमें मिल जाएगी ना, पेट्रोल एक्सम जो भी ये भाई वेरिएंट बोल रहे हो। सर यही सब चेंज थी, उसमें कुछ चेंजेस है ही नहीं सर, बता रहा हूँ, मेजर चेंजेस में कुछ नहीं है, इंटीरियर स्किन का है बस और कुछ। हाँ बस कुछ नहीं। बच चुके हैं शाम के 7:30 और हम आ चुके हैं अपने ऑफिस। फिलहाल अभी तो क्लियर नहीं है कि कौन सी गाड़ी हम लोग लेने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप अपनी राय कि हम कौन सी गाड़ी लें, और तब तक मैं ये जो वीडियो है व्लॉग है इसे एडिट करके डाल देता हूँ। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कौन सी गाड़ी मैं फाइनल करूँ।